अगर ये हम वीडियो हाथ आ बनाने गए का। तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का। मतलब कोई दूसरा और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। यूपी के बरेली जिले से विधायक राजेश मिश्रा पर खुद उनकी बेटी साक्षी ने धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साक्षी का कहना है कि उसने एक दलित युवक अजितेश कुमार से लव मैरिज की है, इसलिए उसके पिता राजेश मिश्रा और उनके समर्थक उसके पीछे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पति के परिवार को भी धमका रहे हैं। इस बीच राजेश मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी है। सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में साक्षी अपने पति अजितेश के साथ नजर आ रही है और उनका कहना है कि उनके पिता उन्हें जान से मारने की सोच रहे हैं। साक्षी का कहना है कि अगर हम उनके हाथ आ गए तो हमें पक्का मार दिया जाएगा। साक्षी ने पुलिस से भी सुरक्षा की अपील की है। सूत्रों का कहना है कि साक्षी ने पुलिस के एक आला अधिकारी से फोन पर बात कर सुरक्षा मांगी, लेकिन जब उन्होंने लोकेशन पूछी तो उसने साझा करने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने एक बयान जारी कर कहा कि मेरी बेटी बालिग है और उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है। मैंने किसी को भी जान से मारने की धमकी नहीं दी है, ना ही मेरे किसी आदमी ने दी है और ना ही मेरे परिवार से किसी व्यक्ति ने दी है। मैं और मेरा परिवार अपने काम में व्यस्त हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।